सो गाइस, ये है एकदम न्यू चकाचक आईफोन 12 प्रो मैक्स और मैं आज इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, आपको दिखाता हूँ। जब तक आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया हो तो। भाई सबसे पहले तो इसकी प्राइस की बात करते हैं, तो प्राइस डिस्प्ले पर शो हो रही होगी और अब इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो दोस्तों, यह है आईफोन 12 प्रो मैक्स, एकदम न्यू ब्रांड मैक्स और पैकेट तो आप देख ही रहे होंगे, एकदम प्रो जैसा है। इसका जो बॉक्स है काफ़ी सीलिंग हो गया है, तो सबसे पहले इसकी सील ब्रेक करते हैं और देखते हैं। अब मैं इसकी करता हूँ सील ब्रेक और बॉक्स को ओपन करता हूँ। तो आप भी जब तक वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, ये 6.7 इंच सुपर रेटिना डिस्प्ले के साथ है, सेरेमिक सीट के साथ, तो आपको प्रोटेक्शन भी बना रहेगा। तो ये है कुछ वॉल्यूम अप डाउन के बटन और ये आपको मिलेगा A14 बायोनिक चिप विद 5G कनेक्टिविटी के साथ। भाई प्रो ट्रिपल 12 मेगापिक्सल कैमरा सिस्टम जो कि अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है, ये सिम के लिए है, आप इसमें 2 सिम भी यूज़ कर सकते हो। इसको ऑन करते हैं जल्दी से और देखते हैं। भाई एकदम क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी तो आप पूछो ही मत, आईफोन की बात ही अलग है। तो ये स्टार्ट करने से पहले एक लोगो आएगा आईफोन का और देखते हैं आगे। मोबाइल ऑन हो रहा है और देखते हैं आगे इसको। भाई तो मोबाइल ओपन हो गया है फेस आईडी के साथ और अब आगे देखते हैं वायरलेस चार्जिंग कैसे इसमें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भाई कैमरा क्वालिटी की तो आप बात पूछो ही मत, जो DSLR के बराबर है और आप इसमें 5G कनेक्टिविटी है और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग डॉल्बी रिकॉर्डिंग में आप कर सकते हो। तो आप कैमरा आपके पास नहीं है तो आईफोन से काम चला सकते हो। ये पीछे है वायरलेस चार्जर का जो लोगो बना है, वहाँ पर आप वायरलेस चार्जिंग कर सकते हो। तो भाई डिज़ाइन और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो तो बहुत ही अच्छी होने वाली है। और ये मुझे केबल दी थी इन्होंने, बाकी मुझे कुछ नहीं मिला इसके साथ, चार्जर अलग से लेना पड़ा। अगर आपके पास पुराना आईफोन है तो आप वो वाला अडॉप्टर यूज़ करके ये वाला भी केबल यूज़ कर सकते हो। तो बस इतना ही था। और ये चार्जिंग केस है, सॉरी मोबाइल केस, प्रोटेक्शन के लिए। इसकी जो डिस्प्ले है वो तो बहुत ही अच्छी है। तो ठीक है, अब वीडियो को अभी यहीं समाप्त। तो भाई अगर आप आईफोन लेने का सोच रहे हो तो ले सकते हो। शुरू में मुझे प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि मैं एंड्रॉयड यूजर था काफ़ी समय से और अचानक मैंने आईफोन ख़रीदा था। तो भाई इसके रिव्यू और मुझे आफ्टर 6 मंथ बाद बहुत अच्छा फील हुआ आईफोन यूज़ करने से, और अच्छा मोबाइल है, आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।